Hello, dear students, how are you? So, students, in the last class, हम लोग डिस्कस किए थे गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, ओके? कि गॉसेस लॉ क्या बताता है? कि अगर किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स हमको देखना है, तो हम क्या देखें? हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ओके? क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ द क्लोज बॉडी. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर, इन द करेंट लेक्चर, ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे गॉसेस लॉ का. ओके, कि हाउ टू यूज द गॉसेस लॉ, ओके, टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज बॉडी. ओके, डिफरेंट चार्ज बॉडी मतलब पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी पढ़े हैं. ओके, इन सारे जितने भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज हम लोग पढ़े हैं, उन कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिराइव करेंगे. ओके, बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं गॉसेस लॉ, या बोले गॉसेस थ्योरम कुछ लोग. ओके, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस देखें. ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देखने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना है. ओके, टू अप्लाई द गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना है. ओके, सो दैट वी कैन डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज बॉडी. ओके, तो जो स्टेप्स हम लोग यहां में देखेंगे, उन्हीं स्टेप्स को बार बार अप्लाई करना है. ओके, एंड इट्स सो सिंपल, बहुत सिंपल है. ओके, इतना सिंपल है कि एक बार आप सीख लेंगे, किसी भी चार्ज बॉडी के कारण चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ओके, एट सम डिस्टेंस वी कैन डिराइव इट. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स सी स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है, हाउ टू अप्लाई गॉसेस लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखें इसके कुछ स्टेप्स. ओके, इन्हीं स्टेप्स को हमको बार बार जितने भी चार्ज बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना होगा, हम बार बार इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप देखें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है डियर स्टूडेंट्स. ओके, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होगा. ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ द चार्ज बॉडी, जो भी चार्ज बॉडी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव करना है किसी पॉइंट पे, उस चार्ज बॉडी के क्या करना है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दे. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है लास्ट टू लास्ट लेक्चर में. ओके, सारे चार्ज बॉडीज के कारण, एंड वी नो हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दे. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. क्या होता है गॉसियन सरफेस, अभी बताते हैं. ड्रॉ द गॉसियन सरफेस सो दैट, कैसा ड्रॉ करना है, सो दैट द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एरिया को डीए से. इनके बीच में जो एंगल हो, एरिया वेक्टर डीए, ओके, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, या को बोले कॉन्स्टेंट, क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस, फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस, कुलर सरफेस. इसका मतलब क्या है, अभी हम समझेंगे. ओके, हमको डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करना है, इमेजिनरी सरफेस. ओके, चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर लेना. ओके, ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमने ड्रॉ कर लिया पहले फर्स्ट स्टेप में,
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और जो सरफेस हमने ड्रॉ किया उसके एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ऐसे नहीं कि हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा हो। ओके, फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर के डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट। ओके, कैसे देखेंगे अभी हम लोग, सब कुछ क्लियर होगा, पहले देख ले क्या क्या स्टेप्स करना है। थर्ड स्टेप क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, तो इन द थर्ड स्टेप हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप में देखना है द टोटल इनक्लोज चार्ज, द टोटल इनक्लोज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जो हमने इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है ये देखना है। ओके, इमेजिनरी ये गॉसियन सरफेस। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, क्यू इन कितना होगा, इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इन। तो हमको क्यू इन देखना है, जो हमने इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ किया है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, उस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है वो देख लेना थर्ड स्टेप में। हो गया, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई द एंगल बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर डीए, इन दोनों के बीच में एंगल को आइडेंटिफाई करना है फॉर फॉर ईच सरफेस। ईच सरफेस, मान लो फॉर एग्जांपल हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वो किस शेप का है, स्फेरिकल। अगर हमने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ड्रॉ कर दिया तो एक ही सरफेस होगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस। ओके, तो देयर विल बी ओनली वन एंगल, देयर मस्ट बी ओनली वन एंगल बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, अगर हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वो कैसा ड्रॉ कर लिया, सिलेंड्रिकल। अगर गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर लिए तो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में क्या क्या होता है, ये हो गया कर्व सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, थ्री डिफरेंट सरफेस से मिलके ये क्लोज बना। ओके, तो ये थ्री डिफरेंट सरफेस, हर एक डिफरेंट सरफेस के लिए हमको क्या देखना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है ये देख लेना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो फिफ्थ स्टेप, कैलकुलेट कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू थ्रू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है डियर स्टूडेंट, उस गॉसियन सरफेस के गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना हमको। कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इसको कैलकुलेट करना है फोर्थ स्टेप में। ये हो गया डन, उसके बाद में क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है एंड लास्ट स्टेप इज दिस। ओके, इक्वेट, क्या करना है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू गॉसेस थ्योरम। क्या बताता है, गॉसेस लॉ बताता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस क्लोज सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, क्लोज, तो क्लोज सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, दैट इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस मच, इसको इक्वेट कर देना है। ये क्यू इन हमने पहले निकाल लिया है, इसको हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, फिर दोनों को इक्वेट कर देना है इस तरीके से। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन बाय द गॉसेस लॉ। ओके, लिंक थ्रू द किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होता है, और हमने ये फॉर्मूला ये यूज करके फॉर्मूला यूज करके पहले भी देखा है। ओके, तो बस क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना, यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज बॉडी एट एनी पॉइंट हमको मिल जाएगा। जिस भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए हमको ये सिक्स स्टेप्स फॉलो करना। ओके, ये सिक्स स्टेप, इसको याद रखे क्या क्या है,
याद कैसे रखते हैं वो बार बार अप्लाई करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो चार्ज का। सेकेंड स्टेप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। गॉसियन सरफेस किस शेप का होगा वो सोचना पड़ेगा थोड़ा। ओके, क्या सोचना है? ऐसे सोचना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया है, या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस। पर्टिकुलर सरफेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हमने सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर लिया तो इसमें थ्री डिफरेंट सरफेस होते हैं, ये फ्लैट, इधर में फ्लैट, ये कर्व, तीन डिफरेंट सरफेस, तो तीन डिफरेंट एंगल होना चाहिए। ओके, एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर अलोंग द रेडियस। ओके, तो हर एक सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसके अंदर में कितना चार्ज है, दैट इज क्यू इन, ये निकाल लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हर एक डिफरेंट सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है वो देखना है, डी स्टूडेंट्स। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है थ्रू द गॉसियन सरफेस, डन। ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? इक्वेट कर देना ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज किया और ये गॉसियस लॉ से इतना होता है, दोनों को बराबर कर दो, यहां से मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो नाउ लेट अस यूज सीधा एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। ओके, लेट अस डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं बट एक बार फिर देख लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी, ये स्टेप्स बार बार हम देखेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, इन स्टेप्स को, इन्हीं स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं, ओके, ऑनेस्टली तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बहुत इजिली हम लोग क्या कर पाएंगे, वी कैन डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एनी चार्ज बॉडी। ओके, वेदर इट मे बी लाइन चार्ज बॉडी, पॉइंट चार्ज बॉडी, ओके, सरफेस चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, कैसा भी हो। ओके, सो नाउ लेट अस सी, फर्स्ट क्या बता रहा, बोल रहा है। ओके, बस बोलता है कि डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज बॉडी, अ पॉइंट चार्ज क्यू। ओके, एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज कितना है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे हमको क्या डिराइव करना है, वी हैव टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डियर स्टूडेंट्स। ओके, यूजिंग गॉसियस थ्योरम कैसे करेंगे, सो लेट अस सी। फर्स्ट हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको क्या करना है, ये हमने चार्ज लिया, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, इसका चार्ज कितना है, दैट इज क्यू। ओके, इससे आर डिस्टेंस पे कहीं भी ले लो, हियर लेट्स से यहां में कोई पॉइंट है, लेट इट बी पी, एट दिस पी पॉइंट, ये पी पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये हमको चाहिए। ओके, तो इस पी पॉइंट का इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है वो हमको गिवेन है, दैट इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर डिस्टेंस। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, ये हमको बोल रहा है ऐसा कुछ गिवेन है, एक पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप अप्लाई करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। ओके, दूसरा कलर से ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेट अस ड्रॉ सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉइंट चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से स्टार्ट होके कहां जाके खत्म होंगे, इनफाइनाइट पे। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस हमने पॉजिटिव ले लिया, अगर ये निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आते हैं। ओके, दिस नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, एक क्लोज सरफेस, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, उसका शेप कैसा होगा, क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, ओके, किसी भी शेप का हो सकता है। तो यहां पे किस शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है,
तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय सबसे पहला बात जो ध्यान में रखना है वो ये है कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे चाहिए? इस पी पॉइंट पे, इस चार्ज के कारण। तो ये जो पॉइंट है ये हमेशा कहाँ पे आना चाहिए? ऑन द सरफेस ऑफ, जो हम लोग इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस उसी को बोल रहे हैं ना, इमेजिनरी सरफेस जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उस इमेजिनरी सरफेस के सरफेस पे ये पॉइंट होना चाहिए। उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। जो इमेजिनरी सरफेस हम ड्रॉ करेंगे उसके सरफेस पे ये पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट ये याद रखना है। सेकंड क्या ध्यान रखना है? ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है, इस शेप का, ऐसा किस शेप का सरफेस होना चाहिए जो हमें ड्रॉ करना है? तो ध्यान में ये रखना है, सरफेस ड्रॉ करते समय सरफेस का शेप कैसा होगा जो हम क्लोज सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं? ऐसा होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लो इस पॉइंट पे या कहीं पे भी देखें, फिर यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है, यहाँ में इधर है, यहाँ में इधर है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ओके, एंड जो सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं उसके एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट, ओके। तो हमने यहाँ पे कैसा सरफेस ड्रॉ कर लिया डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने एक ऐसा सरफेस ड्रॉ किया, हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, ओके। स्फेरिकल क्लोज सरफेस क्यों कर ड्रॉ करते हैं? देखो तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट कहां पे होना चाहिए? ओवर दिस सरफेस। ये पॉइंट कहां पे होना चाहिए जो हम क्लोज सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं उसके सरफेस पे आना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस स्फेयर ड्रॉ करेंगे, जिस स्फेयर का सेंटर कहां पे होगा, इस चार्ज पे, और ये रेडियस, ये जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लेके एक स्फेयर, क्लोज स्फेयर ड्रॉ कर देंगे। स्फेयर होगा तो उसका सरफेस तो क्लोज होता है, ओके। सो लेट अस ड्रॉ इट। हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। दिस वन, ये हो गया, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ये जो है डियर स्टूडेंट्स दैट इज आवर गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ये हमने एक स्फेयर ड्रॉ कर लिया, ओके। यहां में रिंग जैसा दिख रहा होगा, सर्कल जैसा, बट ये 3D है, ओके, स्फेयर है, ठीक। अब देखो, देख लेते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। यहां पे अगर हम डियर स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट या कहीं पे भी देखें, यहां पे हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, स्मॉल सरफेस, लेट अस से ये स्मॉल सरफेस यहां पे ले लिया। इस सरफेस, छोटा छोटा ऐसे सरफेस लेके देख लें एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये इस, यहां पे हमने इस स्फेयर, ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया डी ए एरिया का। इसका एरिया वेक्टर देखें तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर, हमने बताया था एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस कैसा है? कर्व्ड। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसे ड्रॉ करेंगे? रेडियस के लॉन्ग, क्योंकि रेडियस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लो, लेट अस सी, लेट अस ड्रॉ द एरिया वेक्टर ऑफ दिस। इसका हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया, दिस ये हो गया इसका एरिया वेक्टर डियर स्टूडेंट्स, डीए, दिस इज एरिया वेक्टर। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हमने पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो। तो ये एंगल आइडेंटिफाई करो, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। अब कहीं पे भी देख लो, चेक कर लो, और कहीं पे भी चेक कर लेते हैं। यहां में अगर हम एक छोटा सा सरफेस ले लें, हियर डियर स्टूडेंट, यहां पे स्मॉल सरफेस ले लें, ओके, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ओके। एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? रेडियस के लॉन्ग, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर। ये हो गया एरिया वेक्टर डीए, दिस। अभी भी देखो इनके बीच में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कहीं पे भी, यहां पे देखो एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है, एंगल 0। कहीं पे भी देखोगे, ओके। तो अगर इस गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देख रहे हैं, तो एंगल कितना आ रहा है? 0, जो कि कांस्टेंट है। ऐसे नहीं कि यहां में 0, यहां 30 डिग्री, यहां कुछ, यहां कुछ, यहां कुछ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसलिए हमने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया, ओके। लेट्स सी, ये तो दिखाने के लिए ड्रॉ कर दिया था, एक जगह ड्रॉ कर लेंगे, ओके।
ये हो गया एंगल, एंगल थीटा 0 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमको देखना है कि हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस. ये गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया है क्लोज सरफेस, इसके अंदर में कितना चार्ज है? तो इसके अंदर में कितना चार्ज है? एक चार्ज है कितना? क्यू. तो लेट्स सी, हमको मिल गया क्यू इन कितना है. वी हैव दिस, दैट इज क्यू. सो नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कैलकुलेट इट. ओके, कितना हो जाएगा निकालो, कितना आ गया टोटल इनक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस. तो टोटल इनक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस क्यू इन इज इक्वल टू कितना आ गया? दैट इज क्यू. ओके, लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, सॉरी बहुत बेकार है तो गंदा कर रहा है. लेट्स सी द टोटल इनक्लोज चार्ज enclosed charge by the Gaussian surface Gaussian surface के अंदर में कितना चार्ज है? तो दैट इज क्यू इन, एंड क्यू इन इज इक्वल टू कितना है? क्यू. ये जो Gaussian surface हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर में कितना चार्ज है? दैट इज ओनली क्यू. ओके, हो गया. नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? Let us calculate the total electric flux. The total electric flux linked through the Gaussian surface. Let us see Gaussian surface. So dear students, let's see calculate. Kitna hota total electric flux? That is close integral of E dot dA. E dot dA and this can be written as कितना हो जाएगा? ये दोनों के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में. तो ये कितना होगा? दैट इज ई डी ए कॉस थीटा. दिस डी ए स्टूडेंट्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. तो ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा. ओके, नाउ लेट अस सी थीटा क्या है. थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमें मिला है? 0 डिग्री. So let us put it here. Okay, यहां में रख दे dear students. Now let us see dear students, this electric field, ये E क्या है? electric field पहले देखो integration किसके respect में हो रहा है. यहां में integration किसके respect में हो रहा है? area के respect में. किसके respect में integration हो रहा है? area के respect में, dA. ये बता रहा है integration किसके respect में हो रहा है? area के. और ये जो electric field होता है, electric field इस सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता. किस पे डिपेंड करता है? चार्ज से कितना डिस्टेंस है. ओके, चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. जिस पॉइंट पे हमको चाहिए उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है चार्ज से, उस पे आर पे डिपेंड करता है. ओके, नॉट ऑन द एरिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल लें. ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एरिया वेक्टर, एरिया के. इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे डिपेंड नहीं करता. इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओवर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. जिस पॉइंट पे हमको चाहिए उस पॉइंट का चार्ज से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है. ओके, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेंगे. ये आ गया बाहर. बचा क्या? दैट इज डी ए कॉस थीटा कितना है? 0 डिग्री. तो कॉस 0 कितना हो गया? 1. तो ये कितना आ गया? दैट इज ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए. लेट्स सी वॉट इज दिस डियर स्टूडेंट्स, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए. ये क्या है एक्चुअली? दिस, ये क्वांटिटी डीए क्या है? ये जो डीए है उसको बताओ. ये डीए क्या है? डीए जो है वो हमने यहां पे क्या किया है? एक छोटा सा सरफेस लिया, स्मॉल सरफेस. ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है इस पे एक छोटा सा सरफेस का एरिया है. ये स्मॉल सरफेस का एरिया कितना है? डीए. तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए का मतलब क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए का मतलब है द होल सरफेस एरिया. ओके, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस, ये कैसा है? स्फीयर है. इसका रेडियस कितना? आर. तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr². तो इसकी जगह में हम क्या रख देंगे? दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, दैट इज 4πr², क्योंकि रेडियस कितना है इसका? दैट इज आर. डन, ये हो गया. अब देखो क्या करना है. ये मिल गया हमको. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है?
नेक्स्ट स्टेप में इक्वेट कर देना है. ओके लास्ट स्टेप. सो बाय गॉसेस लॉ क्या बोलता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस क्लोज सरफेस इज गिवन बाय कितना, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके सो नाउ लेट अस पुट इट हियर. ओके सारी चीजें यहां पे रख दे रही है स्टूडेंट्स. सो लेट अस पुट इट, कितना आ गया इसकी वैल्यू, कितना आ गया है इसका, दैट इज e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. दिस वन इज e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. क्यू इन कितना है, दैट इज q एप्सिलॉन नॉट. q इन हमने निकाला है, कितना है q. सो फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहां से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम हाउ मच, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, q बाई आर स्क्वायर. ये कांस्टेंट को जो कूलॉम्स कांस्टेंट है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग कर लिया, इससे डिवाइड कर दो इधर में, तो कितना आ जाएगा दिस मच. ये हमने पहले भी देखा था कि किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस कितना होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट. और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर की तरफ होता है, चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ होता है. डन, ये करना था. ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ओके अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यू मे आस्क मी ओके इन द कमेंट कि किसी स्टेप्स में सर ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला, चार्ज कैसे निकाला, गैसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, क्यों हमने गैसियन सरफेस स्फेरिकल ड्रॉ किया है, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते. ओके तो हमने बताया कि गैसियन सरफेस का शेप आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस शेप का गैसियन सरफेस ड्रॉ करना. ओके उसके लिए क्या देखना पड़ता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस, कॉन्स्टेंट. यहाँ में एक ही सरफेस है दैट इज कर्व्ड, तो एक ही एंगल होना चाहिए. ओके हर जगह में, अगर यहां पे जीरो आ रहा है एवरीवेयर, यहां चेक करें, यहां चेक करें, यहां चेक करें, कहीं चेक करें, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो. इसलिए हमने स्फेरिकल ड्रॉ किया. ओके अगर हम किसी और शेप का ड्रॉ कर लेते तो हर जगह में एंगल क्या आता, डिफरेंट. ओके तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. ठीक, उसके बाद में क्या करना है, उसके अंदर में कितना चार्ज है वो निकाल लेना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है इस सरफेस से वो कैलकुलेट कर लेना है, फिर गॉसेस लॉ अप्लाई कर दो. दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, और ये गॉसेस लॉ के फॉर्म में, दोनों को इक्वेट कर दो. ओके तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस कितना होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. ओके सो डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चले, देखे क्या है, लेट्स डियर स्टूडेंट्स. ओके सो थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइन चार्ज के कारण. तो लाइन चार्ज के बारे में रिकॉल कर लो, हमने कुछ बताया था. ओके जब कंटिन्यूअस चार्ज हम पढ़ रहे थे कि लाइन चार्ज क्या होता है, एक लॉन्ग वायर ले लो और उस वायर को चार्ज कर दो.